हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार शर्मा है और मैं IIT कानपुर का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, न्यूमेरिकल मेथड्स। तो न्यूमेरिकल मेथड्स आखिर है क्या और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं उसको पहले समझाऊंगा। तो न्यूमेरिकल मेथड है क्या? न्यूमेरिकल मेथड और न्यूमेरिकल एनालिसिस एक ही चीज़ है, तो मैं बताता हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस है क्या। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस एक मैथमेटिक्स का एक ऐसा क्षेत्र, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हमारे एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करता है और फिर किसी भी प्रॉब्लम्स को हम लोग न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करते हैं। तो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कई सारी हम लोग की दैनिक जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हम लोग फेस करते हैं, वो हम लोग एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उनके लिए हम लोग को कंप्यूटर्स की मदद लेनी पड़ती है। कभी कभी हम लोग को, अब कंप्यूटर भी सॉल्व करता है, वो भी न्यूमेरिकली सॉल्व करता है, लेकिन वो कैसे सॉल्व करता है उसको सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग को न्यूमेरिकल मेथड की हेल्प लेने पड़ी। जैसे कि यही देख लीजिए आप लोग, ये एग्जांपल है, अल्फा डेल्टा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल टी, यानी कि स्क्वायर तो डेल टी। तो आखिर अब जैसे यही डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी मैं इसको बाय हैंड, बाय न्यूमेरिकल, बाय एनालिटिकली इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। इसको कैसे सॉल्व करूंगा? इसके लिए, सॉल्व करने के लिए मुझे न्यूमेरिकल मेथड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मुझे इन्हीं सबको बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ना है कि आखिर ये कैसे अप्लाई करते हैं और इनको कैसे, प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है जो कि बहुत से इंजीनियरिंग के कई डिपार्टमेंट में यूज होती है। जैसे कि हमारा फिजिक्स डिपार्टमेंट हो गया, हमारा एक सिविल इंजीनियरिंग में यूज होता है, केमिकल इंजीनियरिंग में यूज होता है। ये तो ये हर जगह, इन सब डिपार्टमेंट्स को पढ़ना ही पड़ता है ये न्यूमेरिकल मेथड्स। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी बेसिक में सबको आना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। तो इसके फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस? तो सबसे पहले ये एक फास्ट मेथड होता है, हम लोग का बड़ी तेजी से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं बाय न्यूमेरिकली। अडोप्ट ज़्यादा करके यही मेथड अडोप्ट किया जाता है और हमारा किसी भी प्रॉब्लम का हम लोग का एक एक्यूरेट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम लोग अप्रॉक्सीमेट नहीं, एकदम एक्यूरेट, मतलब कि ना एक्यूरेट तो नियरली एक्यूरेट हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता कर ही सकते हैं। तो अब हम लोग कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स को, ये तो मैं ऐसे जानने के लिए आपको बता रहा हूँ। इनको ज्यादा जान तो लीजिए कि न्यूमेरिकल मेथड्स को सॉल्व कैसे करेंगे। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल मेथड्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, तो अभी तो हम लोग, मैं आपको पेन पेपर में बताऊंगा, आप लोग भी उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन ये असल में कंप्यूटर्स में ही सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन अभी कंप्यूटर कैसे सॉल्व करता है ये आपको जानना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहा है आपको समझ में तो आना चाहिए। जब आप कभी उस पर किसी भी, इन तीन सॉफ्टवेयर हैं, मैटलैब, पाइथन, ऑक्टेव, इन सब में आप प्रोग्रामिंग करेंगे, तो वो क्या असल में कर रहा है प्रोग्रामिंग में, क्या मेथड लगा रहा है, तो वो जानने के लिए आपको ये सब मेथड को पहले पेन पेपर समझना होगा, आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाके आप लोग इतना कैपेबल हो सकते हैं कि आप किसी सॉफ्टवेयर में जाके अप्लाई कर सके इन सब प्रॉब्लम्स को। तो मेनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी हमारे न्यूमेरिकल मेथड प्रॉब्लम है, हम लोग सॉल्व इसी पे करते हैं, लेकिन वो सॉल्व कैसे हुई, उनके पीछे की थ्योरी क्या है, उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, एल्गोरिदम क्या यूज हुई है, वो सब आपको पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसको बताने के लिए, न्यूमेरिकल मेथड को, मैं कुछ टर्म्स बताने वाला हूँ, जिसमें एक टर्म्स है एरर। एरर आप लोग सभी जानते हैं, किसी भी चीज में हमेशा एरर होता है। आप लोग फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते होंगे, 11th 12th में जी के वैल्यू में एरर आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैथ में ही अगर मैं कह दूँ, √2 कोई बोलता है 1.414 समथिंग, तो ऐसे इन सब में एरर होता ही है। तो इसको, एरर को कैसे इवेल्युएट करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो एरर के कई टाइप हैं। पहला टाइप है ट्रू एरर। ट्रू एरर को हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो ट्रू एरर की फॉर्मूला क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। किसी भी चीज की वैल्यू, ट्रू वैल्यू को अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जो हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं उससे घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा? ट्रू एरर आएगा। और इसी को अगर हम लोग परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वो ट्रू एरर जो है वो परसेंटेज में आ जाए। वो तो बात की बात है, सिंपल सा है। अब दूसरा हमारा क्या है? अप्रोक्सीमेट एरर है, उसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो अप्रोक्सीमेट एरर का क्या फॉर्मूला है? करंट अप्रोक्सीमेशन माइनस प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन। इसमें भी अगर आप लोग 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट एरर जो आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। तीसरा आता है ट्रू रिलेटिव एरर।
तो ट्रू रिलेटिव एरर का क्या फॉर्मूला है, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। इसमें भी सेम चीज, हम लोग अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो ट्रू रिलेटिव एरर आ जाएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। तो नेक्स्ट एरर क्या है, अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर, इसको हम लोग भी एप्सिलन से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, करंट अप्रोक्सीमेशन माइनस प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन अपॉन करंट अप्रोक्सीमेशन। इसमें भी जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर आ जाएगा वो हम लोग का परसेंटेज में आ जाएगा। मेनली हम लोग परसेंटेज में ही निकालते हैं, जब कभी हम लोग को अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर या ट्रू रिलेटिव एरर निकालने की जरूरत होती है, हम लोग को परसेंटेज में ही निकालना होता है। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा, जब ये आप लोग इवेलुएट कर लेंगे तो उसमें 100% का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये √2 की ये वैल्यू है हमारी 1.41421356233709। और भी एक्स्ट्रा टर्म्स आते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर मैंने माना कि ट्रू वैल्यू ये है √2 की। अब हम लोग इसकी 4 डिजिट एक्यूरेसी पर हम लोग √2 के अप्रोक्स वैल्यू मैंने मान ली 1.414, 4 डिजिट अप्रोक्स पर क्या आएगा 1.414 ये मैंने लिख लिया। तो अब मैं ट्रू एरर जब निकालूंगा तो ट्रू एरर का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसी में जब हम लोग फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा जो है क्या हम लोग का एरर आ जाएगा 2.134 × 10⁻⁴। अब हम लोग अगर ट्रू रिलेटिव एरर निकालेंगे, यहाँ पर मैंने परसेंटेज में निकाला है, तो हमारा क्या आ जाएगा, उसी फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे हम लोग तो आ जाएगा मेरा 0.015%। तो ये तो मैंने आपको सब एरर बताया, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स होता है, हर जगह यूज होगा न्यूमेरिकल मेथड में, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था। लेकिन अब मेनली स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल मेथड कहाँ कहाँ के यूज होगा, कहाँ कहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग किसी भी इक्वेशन को न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन दो टाइप्स की होती है, पहली होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन और दूसरी होती है ट्रांस कैंडेंटल इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, मैं बताता हूँ कि कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का हो, यानी पी एन एक्स बराबर ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डेट डेट डेस लास्ट टर्म ए एन, जहां पर इक्वल टू जीरो, जहां पर हमारा ए नॉट नॉट इक्वल टू जीरो हो, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर ए नॉट जीरो हो जाएगा तो ये हमारा एन डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो जो इस टाइप की इक्वेशन जो होगी वो हमारी क्या होगी, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी जो कि एन डिग्री की होगी। तो दूसरी इक्वेशन क्या होती है, ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन। ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन क्या होती है, ये आप लोगों ने हो सकता हो पहली बार सुना हो, तो इसको कहते क्या है, देखा जरूर होगा लेकिन आप लोग ये टर्म जो है पहली बार सुन रहे होंगे। तो मान लो किसी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, जिसमें कई सारे टाइप्स के फंक्शन हो, जैसे उसी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथम फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग कहते हैं ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल जो है मैं आपको बताऊं, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वेशन है, ये हमारी एक्स तो एल्जेब्रिक हो जाएगी, साइन एक्स क्या होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसी इक्वेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक और लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल जब इक्वेशन में इन्वॉल्व करते हैं तो वो हमारी इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन ना होके ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन कहलाती है। तो हम लोग इन दो इक्वेशनों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हम लोग का ब्रैकेटिंग मेथड होता है, ये मैं बाद में बताऊंगा, जब आपको अलग अलग करके बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये ब्रैकेटिंग और ये ओपन मेथड का मतलब क्या है। तो दूसरा मेथड क्या है, बाइसेक्शन मेथड, इसको हम लोग बोलजानो मेथड भी कहते हैं, ये भी हम लोग का ब्रैकेटिंग मेथड है। तीसरा क्या है, न्यूटन रैप्सन मेथड, ये भी हम लोग का ब्रैकेटिंग मेथड है। चौथा क्या है, फॉल्स पोजिशन मेथड, ये भी ब्रैकेटिंग मेथड है। पांचवा क्या है, सीकेंट मेथड, ये हम लोग का ओपन मेथड है। छठवा क्या है, इटरेटिव मेथड, ये भी हम लोग का ओपन मेथड है। और लास्ट जो मेथड है वो हम लोग का है मुलर मेथड। मुलर मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा कि मुलर मेथड कहते क्या है। ये हर जगह नहीं बताया जाता है, किसी किसी कॉलेजेस में या किसी किसी बुक्स में ही मेंशन होता है, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो इनको पढ़ने से पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, छोटा सा ही टॉपिक है, कॉमन वेक्टर नॉर्म्स। तो
कॉमन वेक्टर नॉर्म्स होते क्या क्या हैं। मान लेता हूं मैं कोई एक्स बराबर, ये एक वेक्टर है एक्स वन एक्स टू डेड डेड एक्स एन, ये है मेरा एन डायमेंशनल वेक्टर। क्या है? एन डायमेंशनल वेक्टर। तो इसी वेक्टर का हमारा टू नॉर्म क्या होगा, वन नॉर्म क्या होगा, इन्फिनिटी नॉर्म क्या होगा, इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये सब आपको पहली बार सुन रहे होंगे लेकिन सिंपल सा है, बिल्कुल कुछ भी कठिन नहीं है। तो टू नॉर्म क्या होता है मेरा, टू नॉर्म क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्म ऑफ एक्स और टू इधर मेंशन कर देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारे जो हम लोग वेक्टर्स के एलिमेंट दिख रहे हैं इनको अंडर रूट एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस डेड 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 प्लस एक्स एन स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा टू नॉर्म, इसको हम लोग यूक्लिडियन नॉर्म भी कहते हैं। दूसरा हमारा क्या नॉर्म है, वन नॉर्म। वन नॉर्म का क्या फॉर्मूला है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे नॉर्म एक्स, नीचे हम लोग साइड में सबस्क्रिप्ट यूज में वन लिख देंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग जितने भी सारे एलिमेंट्स इसके दिए हैं वेक्टर्स के सबको हम लोग सम कर लेंगे तो वो हमारा क्या होता है वन नॉर्म। तीसरा नॉर्म क्या होता है, इन्फिनिटी नॉर्म। तो इन्फिनिटी नॉर्म को कैसे डिनोट करते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स और नीचे सबस्क्रिप्ट के रूप में इन्फिनिटी। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये जो हमारे वेक्टर्स दिख रहे हैं एक्स वन एक्स टू से लेकर एक्स एन, इसमें जो एलिमेंट दिख रहे हैं इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट्स होगा जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा वही हमारा कहलाएगा इन्फिनिटी नॉर्म। तो आगे मैं आपको और बहुत सारे मेथड बताऊंगा इन सबको सॉल्व करने के लिए कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बाय न्यूमेरिकली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।